सलाम राम राम सत श्री अकाल। हम सब बढ़िया हैं। सुनाओ तुम्हारे हाल चाल। तो भाई बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है और वो इसलिए बहुत दिनों बाद हाँ, मेरे भी चैनल पे तो है यार, तेरे पे तो मेरे से पहले आई होगी। चल जो भी है जो था तो मतलब जो भी है अभी मतलब फ्री हो गए हैं, पहले बिजी थे। सारी बातों को इग्नोर, सारी बात इग्नोर भाई, ठीक है। और फ्री हो चुके हैं, रवि भाई भी फ्री और मैं भी फ्री। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करनी है और अनाउंसमेंट ये है कि मैं और रवि भाई इंटरनेशनल राइड पे जा रहे हैं। जा रहे हैं भाई, बाकी ये इंटरनेशनल के नाम पे कुछ नहीं है। इंडियंस के लिए इंटरनेशनल राइड पर जाना होता है, नेपाल भूटान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सारे डेबू भाई जैसे नहीं होते जो वर्ल्ड टूर मार कर आ जाएंगे बीएमडब्ल्यू पे। बिल्कुल, अपना तो एक बहुत छोटा सा टूर है, यहाँ से जाएंगे नेपाल, हाँ। वहाँ से वापस आ जाएंगे बस। तो ये हमारी इंटरनेशनल राइड होगी भाई, हाँ। नेपाल की, और ये चीज़ हमने आपको अनाउंस कर दिया, ठीक है। और अभी और डिटेल तू देना, 2 जून को निकल। ओके, तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं 2 जून को, और 2 जून को संडे मैं बताऊँ, ठीक है। तो भाई हम लोग 2 जून को निकलेंगे और 2 जून को है संडे। तो हम लोग जो फ्लैग ऑफ रखेंगे वो हम रखेंगे दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली से राइड को शुरू करेंगे ऑफिशियली, और वो भी शाम के टाइम पे 2 जून को संडे। तो जो भी टाइमिंग डिटेल्स होगी, कहाँ पर फ्लैग ऑफ होगा, जो भी सीन रहेगा, वो इसके इंस्टाग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा। तो जो आ सके बंदा भाई ज़रूर आना फ्लैग ऑफ पे, हमें सच में यार दिल से अच्छा लगेगा। और भी बंदे आएंगे बहुत कमाल कमाल के, तो आना ज़रूर भाई, ठीक है। तो गाइस इंस्टाग्राम हैंडल की जो हमारे डिटेल्स है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट कर लेना नीचे लिंक में। लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक दोनों के इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि जो हम व्लॉग बनाएंगे नेपाल के वो हम साथ के साथ अपलोड नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि पहले तो नेपाल राइड कंप्लीट करके आएंगे, उसके बाद घर आएंगे, वहाँ पर एडिटिंग, वहाँ से एडिटिंग चालू। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो आपको भाई मतलब भाई स्टोरी कमाल आएंगे, पिक्चर्स और गजब गजब। एक और बात भाई देखो ड्रोन शॉट्स भाई, रुक जा, ड्रोन शॉट इसके आएंगे, मेरे नहीं आएंगे तो बस और रुक जा, ठीक है। और एक और बात ये बतानी थी भाई कि हाँ, ये बंदा कमाल का है, और इसके साथ मेरी पहली राइड, अगर आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि माय न्यू राइडिंग पार्टनर वो ये बंदा था, लेकिन हम ये लगा लो पूरे 1 साल बाद हम लोग राइड कर रहे हैं। अबे भाई रुक जा, ठीक है। तो हमें क्या बता रहा था, 1 साल बाद तो नहीं, 10 महीने लगा लें, चलो तो ना तेरी ना मेरी 8 महीने 8 महीने लगा ले। लास्ट हम राखी गढ़ी गए थे जहाँ भी, हाँ वो भी यार सिर्फ दिसंबर जनवरी का टाइम, हाँ, था, छोटी सी राइड थी, ठीक है। और ये बताना था कि जैसे मैं लद्दाख गया था, राजस्थान गया था, तो मेरा यार थोड़ा ऐसा मिजाज है कि मेरे साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत होता है मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। और रवि का ऐसा मिजाज है, ये तो पहली बात हंसता रहता है, और जब दिक्कत सामने आती है ना ये बंदा और जोर से हंसता है। मतलब इस बंदे के साथ राइड पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, अल्टीमेट मज़ा। और हाँ, एक और बात मेरे को आपको ये बतानी थी कि पहले मैं फ़ोन से एडिट करता था, और ये जो राइड है इस राइड से ठीक पहले मैं लैपटॉप लेने वाला हूँ। तो आप आइडिया लगा लो कि मैं अगर फ़ोन से इतनी अच्छी एडिटिंग करता था, क्योंकि आप लोग एक मैं कमेंट करता था कि अच्छी एडिटिंग लैपटॉप से समझ जाओ। पहले सीखेंगे लैपटॉप एडिटिंग और उसके बाद मतलब मस्त एडिटिंग करेंगे। और राजस्थान राइड जो मैंने करी थी उसमें जो गलती मैंने ये करी थी कि मैं हाइपरलैप्स से ही भर दिया था सारा राजस्थान सीरीज, वो गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो हाइपरलैप्स का प्यारा मिक्सचर आपको मिलेगा, व्लॉग मिलेंगे। और राइड कितने दिन में हो जाएगी अपनी, लगभग 15 से 20 दिन के आसपास हमारी। ये क्या है भाई, ओ 20 पागल है यार 20 रुक जाना। तो भाई अप्रोक्स 20 दिन की हमारी राइड होने वाली है, 20 दिन की राइड होने वाली है। और मीटअप करते हुए चलेंगे ना फिर, हाँ। ना बीच में जो सिटी जगह जगह मीटअप्स रखते हुए चलेंगे, मतलब स्टोरीज डाल देंगे, जो आएगा मिलने किसी को आना है। बिकॉज देखो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रोहतक से दिल्ली, दिल्ली से आगरा होते हुए लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, फिर वहाँ से हम सोनोली बॉर्डर एंटर करेंगे, हाँ। वहाँ से पोखरा से मुक्तिनाथ, वहाँ से वापस पोखरा से काठमांडू से डार्जिलिंग से सिक्किम, हाँ, बिल्कुल सिक्किम में गैंगटॉक। ओके, हाँ बोल बोल ना यार, बोल ओके, गैंगटॉक से हम लोग जाएंगे, हाँ भाई, आसपास के जो सिक्किम हम कवर करेंगे, और फिर वहाँ से वापस रोहतक, तू भादुगढ़, मैं रोहतक, मतलब मैं भादुगढ़, ये रोहतक 40 किलोमीटर का डिफरेंस। और भाई और कुछ बताना रह गया, सोचिए बस, एक तो यही है, राइड मस्त आएंगे, ब्लॉग्स भी मस्त आएंगे, राइड भी गजब की होगी, स्टोरीज भी अच्छी आएंगी। और इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक अकाउंट पर जरूर फॉलो करना यार, जरूर फॉलो करना, नहीं इतना जरूरी भी नहीं, उनका मन होगा तभी करेंगे। आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा, अबे हाँ, अबे मैं डायलॉग है,
श्रद्धा, आपकी श्रद्धा भाई। अच्छा और एक और बात है, अभी आप लोग सोच रहे हो कि हम खड़े गए, हम लोग खड़े हैं केएमपी एक्सप्रेस वे पे और हमारे ठीक मुंह के सामने सूरज है, क्योंकि भाई लाइट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो अभी केएमपी एक्सप्रेस वे पे हैं, ये वीडियो तो बन गई अनाउंसमेंट की, और कल आपको मैं अपने मेरा जो हेलमेट है वो रिवील करूँगा। तो अभी हम हेलमेट के भी सिनेमेटिक शॉट थोड़े यहाँ पे ले लेंगे। तो बस वीडियो में इतना ही था, इतना ही था, कुछ और आपको बताना चाहिए? एक बहुत गजब की स्टोरी बताते हैं, हम मिले कैसे ये तो बताए। चल बता दे भाई। देखो क्या हुआ ना, लास्ट ईयर भाई ने लद्दाख करा था प्लेटिना पे, मैंने भी लद्दाख करा था, उधर खड़ी है, मतलब उधर खड़ी मैं दिखा, उधर आगे लेकर आगे नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है यार। उधर खड़ी है वेस्पा, ये निकला था 24 जून को, मैं निकला था 20 जून को, हमें कोई आइडिया नहीं था कि यार ऐसे ऐसे शहर से भी एक बंदा निकला हुआ है। जब ये वापस आया, जब मैं वापस आया, फिर दोस्तों से पता लगा कि रोहतक से भी एक बंदा निकला हुआ था, उससे पता लगा भादुरगढ़ से भी एक बंदा निकला हुआ था, और ये प्लेटिना पे वेस्पा पे सेगमेंट लगभग सेम हो गया। एक सेकंड, लेवल ऑडियो लेवल मीटर जा रहा, थोड़ा तेज बोल। ओके हाँ, तो अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ हाँ, तो तेज तेज बोलना यार, ये लाइन पे ध्यान रखना तू। ठीक है ठीक है, चल। तो पता चला पड़ोसी शहर से ये भी गया हुआ है, मैं भी पड़ोसी शहर से इसके गया हुआ हूँ। तो जब आए, फिर हम लोगों ने एक दूसरे के इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह को देखा, उसके बाद हम मिले। मज़ा आ गया था यार। यार वो भी क्या दिन था, वो भी क्या दिन था। सही में मेरे को खुशी है कि पड़ोस में ये एक बंदा है भाई जो अपनी तरह राइड कर रहा है, छोटी बाइक पे, मतलब इसकी वेस्पा स्कूटी है भाई 150 cc और मेरी प्लेटिना 100 cc थी। सबसे बढ़िया बात यार मुझे ये लगी कि मेरे को मेरे साथ एक छोटा, मतलब छोटा व्हीकल वाला राइडिंग पार्टनर मिल गया, सबसे बढ़िया बात ये थी। और फाइनली यार प्लान करते करते नेपाल का प्लान लॉक हुआ है, बस इतना बताना था। और जून दो जून को भाई संडे है, सही में यार दिल्ली में हमारा मीटअप होगा, लोकेशन आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मिल जाएगी। ज़रूर ज़रूर आना है, अगर आप दिल्ली से हैं या आसपास से हैं, ज़रूर आना। हाँ तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, यही आपको अनाउंसमेंट करनी थी। और वीडियो अच्छे लगे तो भाई लाइक ठोक देना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक ठोक सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी तरफ से सॉरी यार कि मैं इतनी लेट वीडियो चला रहा हूँ, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत सॉरी कि मैं इतने टाइम बाद वीडियोस डालता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा याचना, बिकॉज मेरे पास लिटरली बहुत कम टाइम होता है इस चीज़ों के लिए। और मैं देखा जाए ना, साल में एक टूर मार रहा हूँ आजकल, सिर्फ आजकल नहीं, आजकल वो भाई लास्ट ईयर मैंने लद्दाख मारा था, तो लगभग अब फिक्स ही हो चुका है। और इस साल नेपाल, बहुत ऑसम कंटेंट। तो बस इतना कहना था, बहुत ज़्यादा हो गया यार, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद, राइड सेफ, बस जय हिंद। और भाई हम एक्सप्रेस से थोड़ा दूर होकर वीडियो बना रहे, कहीं आप सोच रहे हो कि रोड के बीच में ही खड़े हैं। मैं इसे कह रहा था भाई, कहीं एक्साइटमेंट के चक्कर में पीछे पीछे और कुछ काम ना हो जाए। तो भाई बस इतना कहना था, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद। आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल के जो आपको हमारे इंस्टाग्राम भाई जैसे ना हो पाएगा। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पानी दे, पानी बोल रहो भाई, पाट वाले कैमरा पड़ जाएगा, मोटरसाइकिल बदल जाएगा। और या तो सारू कान ओके ध्यान ना दिया, ठीक है साउंड तो आती है ऐसे को ना, ब्लूपर्स ब्लूपर्स में, अरे ब्लूपर्स तो अपने सब बहुत सारे हो गए, बहुत हो रही है यार बीच में काट काट के, ब्लूपर्स बार-बार के ब्लूपर्स बन गई वीडियो। ओ भाई बस हो भाई, हमारे तो 2-3 बाल है बस, कटवा लूँ इसको, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, हाँ कमेंट करके बताना, कमेंट करके जरूर बताना, इस खेती को यार और बढ़ाना चाहिए या कटवाना चाहिए। और भाई इसको क्लीन समझ रहे हो ना, क्लीन और क्लीन जो मैं ऐसा जैसे 5वीं का बच्चा है भाई, लगता है सही, मैंने देखा मुझे पता है, पता है वो बस। और भाई धूप जाती जा रही है, मेरे घर जाना है, जा चलो भाई, अभी हेलमेट की सिनेमेटिक शॉट लेते हैं और बस बाय बाय। हेलमेट की वीडियो कल आपको पता चलेगी कौन सा मैंने नया हेलमेट लिया है, बस बाय बाय। अरे रंगीला है यार, रंगीला राइड पर इसका जो निकनेम है वो रंगीला, वो मैंने रंगीला निकाला है, मैंने निकाला और इसका मैं सोच के निकालूंगा भाई, सोच लेगा ये, ठीक है, लेकिन मेरा नाम रंगीला रख दे, इसका नाम रंगीला, कोड नेम रंगीला, अब करते बंद। और किस लिए रंगीला है वो आपको हेलमेट वाली वीडियो में पता लग जाएगा, वीडियो बंद नहीं कर रहे, ठीक है भाई बंद करते हैं।